वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे गेम के बारे में जो सब लोग जानते हैं, पबजी के बारे में। सो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, जो पबजी प्लेयर होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चुन मची होती है, वो है पबजी की। खाते समय पबजी, पीते समय पबजी, सोते समय पबजी, सपनों में भी पबजी, पबजी यहाँ पबजी वहाँ पबजी, पबजी पबजी पबजी। सो दोस्तों, इनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है, पबजी पबजी और पबजी। क्या हम में से कोई है जो अब तक पबजी नहीं खेलता होगा? सो दोस्तों, अगर आप पबजी को बहुत लाइक करते, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ पबजी के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें फैक्ट की सीरीज है ये, तो वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। फर्स्ट जो फैक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत कमाल का फैक्ट है। आपने देखा होगा, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं प्रोडक्ट्स की, और फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये बता दूं, एडवर्टाइज प्रोडक्ट की एडवर्टाइज की मैं यहाँ नहीं बात कर रहा। यहाँ आप एडवर्टाइज देख सकते हैं, जैसे कि मूवीज़ की एडवर्टाइज होती है, दूसरे शूज़ की एडवर्टाइज होती है, वैसे ही गेम्स की भी एडवर्टाइज होती है, और बड़े बड़े गेम्स अपने एडवर्टाइज करते हैं। पर इंडियन टेलीविजन पर पबजी ऐसा पहला मोबाइल गेम है, फर्स्ट मोबाइल गेम है जिसने अपनी एडवर्टाइज की। मैं आपको बता दूं, ये पबजी बिना एडवर्टाइज के ही आ गया है। मैं इसके बारे में लास्ट बता देता हूँ। फर्स्ट फैक्ट आप ये ध्यान में रख लीजिए कि पबजी ने फर्स्ट ऐसा मोबाइल गेम है जिसने इंडियन टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट की। ओके, तो सेकंड फैक्ट की बात करते हैं, तो सेकंड फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है, मैं हर फैक्ट की सीरीज में ये फैक्ट ऐड करता ही हूँ, वो है विनर वीक विनर चिकन डिनर का फैक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि पबजी में अगर हम जीत जाते हैं, हमारी टीम जीत जाती है, तो हमको मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर। तो क्या है विनर विनर चिकन डिनर? मैं आपको बता दूँ, ये बहुत पुराने समय में था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब भी हम जुआ खेलते थे, हम नहीं खेलते थे, वो लोग जुआ खेलते थे, तो तब उनको मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे, और वो पैसे से वो चिकन खरीद लेते थे। और यही परंपरा यहाँ दिखाई गई है, विनर विनर चिकन डिनर। तो जो जीत गया उसको चिकन डिनर मिल जाता है, असली का नहीं। ओके, तो थर्ड जो फैक्ट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये है उसके एक ग्लिच के बारे में। मतलब ये ग्लिच हर एक गेम में होता है, हर कोई गेम हो, चाहे वो GTA गेम्स की सीरीज़ हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, ये ग्लिच होता ही है। हर गेम में ये ग्लिच थोड़ा अलग अलग होता है, इसको ग्लिच भी नहीं बोल सकते हम। मतलब कहीं हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो इससे आगे नहीं जा सकती, जहाँ ख़त्म होती है इस लोकेशन पे प्रोग्रामिंग नहीं की गई है। मतलब ऐसी ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ कुछ भी कमांड्स नहीं दी हुई होती है उस पार्टिकुलर फाइल्स को, तो ऐसी ग्लिचेस होती है कई गेम में। अब GTA San Andreas में भी ये ग्लिच था। तो अगर हम कहीं अलग ही जगह चले जाते हैं जहाँ सारे ग्राफिक्स हमें दिखाई देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं हम, तो ऐसे ग्लिचेस पबजी में आते रहते हैं। सिर्फ GTA गेम से नहीं, पबजी में भी ये आते हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ आप अगर जंप करेंगे तो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, एक एक्सरे विज़न बोलते हैं उसको, तो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो बहुत अलग होती है। वहाँ आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बंदूकें दिखाई देती है जहाँ वहाँ, तो ऐसी बातें पबजी में भी होती है। तो भी ये भी एक फैक्ट है और बहुत लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं। सो दोस्तों, ये थे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट है ये है बॉट्स का। तो आपको मैं बता दूँ, हम जब पबजी खेलते हैं तब सारे वहाँ इंसान ही नहीं होते, मतलब इंसान वहाँ रियलिटी में आकर नहीं खेलते, उनका कंट्रोल तो इंसान के पास ही होता है, पर यहाँ बॉट्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे GTA गेम्स आप देख सकते हैं, वहाँ बॉट्स यूज़ किए जाते थे। मतलब GTA गेम नहीं, कोई भी ऑनलाइन गेम्स आप देख लीजिए, वहाँ भी बॉट्स यूज़ किए जाते थे। मतलब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ह्यूमन ही वहाँ नहीं खेलते, कुछ बॉट्स भी होते हैं, कुछ कमज़ोर प्लेयर भी होते हैं उनके लिए। तो ये बॉट्स आपको शूट नहीं करते, आपको सिर्फ देखते हैं, ऐसे बॉट्स छुपे हुए रहते हैं। बॉट्स मतलब ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग की गई है, जो इंसान नहीं होते, वो ऐसे इधर उधर फिरते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, सब वहाँ इंसान नहीं होते। इसके बाद का जो फैक्ट है वो है नो एडवर्टाइजमेंट का फैक्ट। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पबजी एक
एक ऐसा लोता गेम है जो अपनी कोई भी एडवर्टाइज कभी भी उसने नहीं की और वो इतना फेमस हुआ है। आपको बताया कि बहुत गेम्स कहीं ना कहीं तो अपने एडवर्टाइज करेंगे, बहुत बड़े गेम्स जो होते तो वो कहीं ना कहीं अपनी एडवर्टाइज करेंगे ही, पर पबजी ने कभी भी कहीं भी एडवर्टाइज नहीं की। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था उसने इंडियन टेलीविजन पे एडवर्टाइज की, वो उसके फेमस होने के बाद अभी अभी एडवर्टाइज की है। उससे पहले जब वो फेमस नहीं था तब उसने कभी भी एडवर्टाइज से उसने फेमस नहीं कमाया, मतलब फेमस ऐसे उनका कंटेंट ही उतना अच्छा है कि इतना पॉपुलर हुआ, इतना फेमस हुआ है। तो हाँ, पबजी एक ऐसा गेम है जो बिना एडवर्टाइज के भी इतना आगे है। तो ये थे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो दोस्तों, पबजी इतना आगे गेम है तो पबजी को बैन नहीं करना चाहिए। वैसे भी पबजी से कुछ बहुत बड़ा तोटा तो नहीं होने वाला है, पर टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। तो ये थी फैक्ट की सीरीज़। अगर ऐसी वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस इसको शेयर भी कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में।